चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में एक सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है देखते हैं। चैप्टर 8 में हमने लाइट को क्या माना, रे माना। चैप्टर 9 में लाइट को क्या माना, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल वाईडीएससी को आप रे, लाइट को रे मान के एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए आपने लाइट को क्या माना, फिर वेव माना। वेव मान के आप उसको एक्सप्लेन कर पाए, वेव मान के आप बेसिकली तीन चीजें एक्सप्लेन कर पाए, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। ये तीनों पार्ट आपके किस में आते हैं, चैप्टर नंबर 9 में आते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन। और लाइट को रे मान के हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया, यहां पे हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन ये सब एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी भी लाइट को वेव मान के हम सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इस चैप्टर में हम लाइट को ठीक है, आप सीक्वेंस नंबरिंग चेंज कर लें, 9, 10, 11। पार्टिकल, लाइट को हमने पार्टिकल माना है इस केस में, डिटेल में हम पढ़ेंगे। बट लाइट आपकी किसी केस में वेव है, किसी में पार्टिकल है। साइंस का डेवलपमेंट होता ही ऐसे है कि आज जो हम जानते हैं वो ये, कल को हो सकता है कि थ्योरी झूठी हो जाए और कुछ नया आ जाए। क्वांटम मैकेनिक्स तो बहुत नई है, जैसे पहले पहले हम ये मानते थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो हर जगह वैलिड होंगे, बट अटोमिक लेवल पे जो आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन है वहां पे। दुष्यंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियां बजाना जोरदार इसके लिए। समय बहुत कीमती है, तो लाइट को हम यहां पे पार्टिकल मानेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फेनोमेनन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है इस चैप्टर, लिख लें अगर नोट करना है तो कर लें, बल्कि अच्छा है, कर लें नोट इसको, कर लिया, करें फटाफट। फटाफट लिखना है तेरे को, लिखना है, बता दी। हाँ जी, हो गया बच्चों, फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखते हैं क्या होता है। एक आपकी मेटल प्लेट है, क्या मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सोल्युटली फ्री होते हैं या आपके पॉजिटिव आयन से कुछ तो अटैच रहते हैं? एब्सोल्यूट फ्री नहीं रहते, एब्सोल्यूट फ्री नहीं है, नॉट एब्सोल्यूटली फ्री। जो आप साथ के साथ लिख पाए वो लिखते रहें और जो नहीं लिख पाए वो कोई बात नहीं है। आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली रहते हैं मेटल के अंदर, बट वो एब्सोल्युटली फ्री नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ आपका अटैचमेंट रहता है। विद पॉजिटिव आयन्स, जहां से वो निकले हैं उन आयन्स के साथ आपका कुछ अटैचमेंट इनका इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। ठीक है, यहां पर इस मेटल प्लेट पर अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट कराई जाए, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं बट इतने भी फ्री नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से अपने आप निकल आए, कुछ आपकी अटैचमेंट है उनकी पॉजिटिव आयंस के साथ, तो ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, ये जब एनर्जी लेकर यहाँ आती है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास सब्सटेंशियल एनर्जी हो जाती है इस मेटल से निकलने के लिए, तो जब आपकी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करती है और जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है, इसी पूरे प्रोसेस को, फेनोमेनन को आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट और रेडिएशन सेम चीज है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, अब मान लो जो आपकी सन से रेडिएशन आ रही है उसके अंदर सारी है, मतलब विजिबल भी है, आई आर भी है, यूवी भी है, सब है, और आपकी घर पे कोई ऐसा मेटल प्लेट रखी है, बर्तन ही है कोई, उस बर्तन में क्या इलेक्ट्रॉन्स आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो उसको इस बात को, ये आपने किसी ने प्रपोजल दे दिया कि ऐसा मॉडल है कि रेडिएशन इंसिडेंट होने से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, बट इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम एक सेटअप डिजाइन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू वेरीफाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें हम जो ये प्रपोजल दिया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि यह बात सही है कि गलत है। एक आपकी प्लेट रहेगी मेटल प्लेट, एक सामने मेटल प्लेट और है, यहां पे आपकी एक ट्यूब है, इस ट्यूब से ऐसे वायर अटैच की गई है और यहां आप एक एमिटर मान सकते हैं लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कैथोड, इसको एनोड, ये आपकी मेटल प्लेट है, मेटल सरफेस है, इसके ऊपर बाहर से रेडिएशंस इंसिडेंट होंगी, इंसिडेंट रेडिएशन, और जो ये रेडिएशन इंसिडेंट हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इंटेंसिटी आई है।
एनोड जो यहाँ पे बोली गई है, प्लेट जिसको एनोड बोला गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया गया है, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया गया है। पूरे एक्सपेरिमेंट में तीन ही पैरामीटर्स हैं, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, ये तीन पैरामीटर्स हैं। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेरीफाई कैसे करें। अगर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो कैसे भी करके यहां तक पहुंच जाएं और फिर इस वायर से अगर जाएंगे तो आपके एमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, हमने कोई अरेंजमेंट किया कि वो खींच के यहां चले आए और फिर पास ऑन हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं ही निकलते तो डेफिनेटली करंट भी नहीं बनता। अगर करंट बन रहा है तो इस बात का एक वो है, वेरिफिकेशन है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक है। अब देखें, इसको एनोड बोला है, इसको कैथोड बोला है। एनोड वो आपका इलेक्ट्रोड होता है जहां पर नेगेटिव या एनायंस आप जाते हैं आपके, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो नेगेटिव चार्ज इस साइड जाएगा, उसको बोलते हैं एनोड, और जिसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब ये बताएं यहां पर इस पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने का क्या रीजन है, देखते हैं इसको, रीजन ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। यहां से इस इंसिडेंट रेडिएशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक तो वो आपके रैंडम डायरेक्शंस में होंगे, यहां पे आप एक ये लाइन लिखेंगे, वाई पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू एनोड, ऐसा करके लिख लें बेशक, वाई पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड जी। ये न्यू है आपका, ऐसे इसके ऊपर ये वाला ये लेंथ थोड़ी बड़ी है, न्यू, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी है, ये इंटेंसिटी है, वो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, न्यू आई और बी। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव, हाँ जी क्या समस्या है, पोटेंशियल डिफाइन करें, नहीं करें चुप बैठे रहे। हमने एनोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों लगाया, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखें, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल हैव अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी That is 0 to ke max, जो kinetic energy की range होगी वो होगी 0 to kinetic energy maximum। दूसरा point लिखें, direction of emitted electron will not be unique, इसका मतलब electrons आपकी सारी directions में निकलेंगे, ठीक है। positive potential लगाने का मतलब ये है, आप देखें इस anode के respect में, अगर इस cathode के ऊपर zero potential है और anode के ऊपर positive potential है, तो आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड लगेगा। अगर यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां जीरो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड बनेगा, इस साइड, सब सहमत है इस साइड, गलत सहमत है, इस साइड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, आप लिख लें भले ही
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पॉजिटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस साइड लगेगा? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड ही, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस साइड है फोर्स उसके उल्टी साइड लगेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने का एक ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो एनोड की तरफ खींचे चले आए। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन निकले भी और वहां पहुंचे भी ना और हम वेरीफाई ना कर पाए। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको इस साइड बुलाने के लिए हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है। अगर इसी केस में आप एक बात बताएं, अगर हम एनोड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें तब क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाला फोर्स ऐसे रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको अपोज करेगा, मतलब कि वो वहां तक ना पहुंच पाए, ऐसा ही करेगा। अगर ये वाला पोटेंशियल इतना है कि वो यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उसको भी रोक पाया तो बाकी सबको तो रोक ही पाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, नेगेटिव पोटेंशियल लगा के आप क्या कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी अगर उसको भी रोक दिया तो बाकी तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जिस पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी एस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप स्पेस छोड़ के अगर कुछ लिखना है तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए लिख लें। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड विच कैन स्टॉप इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम रीचिंग एनोड। अंग्रेजी बना लें आप, मतलब भावनाएं समझ गए होंगे। वहां तक पहुंचने में वो उसको रोकने में सक्षम हो, इतना पोटेंशियल आपका वीएस पोटेंशियल कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ जी, ये पोटेंशियल है, ये पूरा चैप्टर आता है 11 12 में आप समझेंगे। बस इतना समझें आप कि यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने पे ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको अट्रैक्ट करेगा। बस इतना आप समझेंगे उसका क्या काम है पॉजिटिव पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन जो निकले उनको खींच के लाना है। दैट्स इट। कौन से वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल? देखें, पहली बात तो आप ये समझे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी सारी पॉसिबल डायरेक्शंस होंगी, एक बात। दूसरी बात, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी एक रेंज रहेगी 0 से KE max, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले भी और पहुंच भी नहीं पाए तो हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। उसके लिए हमने क्या किया, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आएंगे। अगर खींचे चले आए, इसके थ्रू पास हो गए, एमिटर में करंट आएगा तो वी विल बी एबल टू वेरीफाई दैट सम इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल का काम था। नेगेटिव पोटेंशियल मैंने बताया कि अगर यहां पर प्लस वी की जगह माइनस वी लगा दिया जाए, जैसे प्लस ने अट्रैक्ट किया था, नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, फर्दर आगे आने से रोकेगा।
तो ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक ना पहुंच पाए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतना बताया, लिख लिया है इस साइड। हाँ जी लिख लिया ना इस साइड वाला। एक टर्म और लिख लें आप, फोटो करंट। इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से जो आपका सर्किट में करंट बना उसको आप बोलेंगे फोटो करंट। स्मॉल आई से डिनोट करते हैं इसको। लिखिए आप, इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट, करंट एस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट, करंट एस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट ड्यू टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। क्या लिखा है? करंट एस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट, करंट एस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट ड्यू टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। अब फर्दर हम ये स्टडी करेंगे, ये जो फोटो करंट है इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, आपने जो एनोड पे पोटेंशियल लगाया है उस पे कैसे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला पार्ट करेंगे हम फोटो करंट और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। लिखिए आप, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो करंट यहां पर जो आपकी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी से फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ना चाहिए आपके हिसाब से। अगर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए तो फोटो करंट बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हाँ वो अभी बहुत उस पर आएंगे। तो कुल मिला के क्या केमिस्ट्री आपने कर लिया क्या चैप्टर? तो कर रखा है ना, तो फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है देख लें। ठीक है, ये हमें सबको फील आ रही है कि इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो करंट बढ़ेगा, और बिल्कुल सही फील है, इंटेंसिटी बढ़ने से आपका फोटो करंट बढ़ता है। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सिंपल स्ट्रेट लाइन आता है, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी इंटेंसिटी बढ़ी तो फोटो करंट आपका लीनियरली बढ़ा। लिख लिया आप इसके लिए। इस केस में एक बात ध्यान रखना कि जब हम एक पैरामीटर की बात करेंगे तो बाकी कांस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल इज फिक्स एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो फिक्स, कॉन्स्टेंट रहेंगे। किसमें वी है जो आपने एनोड के ऊपर पोटेंशियल लगाया है वो फिक्स है। क्या करें? हाँ पॉजिटिव लगता है जनरली, नेगेटिव तो रोकने के लिए होता है, बल्कि पॉजिटिव लगेगा जनरली। आप क्या कह रहे हैं कि यहां बैटरी लगाने कैसे लगाएंगे बताएं? ऐसे तो ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा और वो ऐसे कराएगा। हाँ
तो करंट अगर उस फोटो करंट से इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ब्लॉक कर देगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर कम है तो उतना कम हो जाएगा इन प्रोपोर्शन। हाँ, इसके अपोजिट रहेगा। फोटो करंट तो हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, वैसे अगर करंट की डायरेक्शन देखोगे तो वो तो इसके फेवर में ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऐसे रहेगा, तो बल्कि यहाँ तो बढ़ेगा, यहाँ तो बढ़ेगा। कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस मत करें। लिखिए अगला, इसका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप पोटेंशियल बढ़ा दें एनोड के ऊपर लगने वाला जो पोटेंशियल है उससे आपके करंट पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। अनुष्का बात नहीं करेंगे, बताएं भाई ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ने से करंट पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपने कहा कि अगर यहां जीरो होता, मान लो पोटेंशियल जीरो होता, तब भी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ निकले हैं वो एक आध पहुंच सकता था। जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ेगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचना शुरू करेंगे। क्या पोटेंशियल आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो भी करंट बढ़ता रहेगा क्या? हमेशा सैचुरेट करेगा। क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। आई वर्सेस वी का ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे, जब आपने पोटेंशियल जीरो लगाया है तब भी कुछ ना कुछ तो करंट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद सेचुरेट हो जाएगा। इसका कारण ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं अगर सारे के सारे वहां पहुंचने लग जाएं तो फर्दर पोटेंशियल बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा करंट पे, करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसको पोटेंशियल जो अप्लाई किया है इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू कर दें, यहां नेगेटिव धीरे धीरे बढ़ाएं, -1, -2, -3 ऐसे करके, तो आपके इलेक्ट्रॉन जो वहां पहुंच रहे हैं वो घटना शुरू करेंगे और एक पॉइंट पे जीरो जाएंगे, करंट नहीं फ्लो करेगा। उस टाइम पे जो आपने पोटेंशियल लगाया है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ये बेशक आप लिख लें कि सेचुरेशन करंट, करंट सेचुरेट क्यों हुआ, करंट सेचुरेशन का मतलब है करंट विल नॉट इंक्रीज इवन आफ्टर इंक्रीजिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल को फर्दर बढ़ाने से आपका करंट नहीं बढ़ेगा। लिख लें आप, करंट विल नॉट इंक्रीज even after increasing positive potential, current will not increase even after increasing positive potential,
मुझे भी याद कहाँ रहता है क्या बोला था, करंट विल नॉट इंक्रीज इवन आफ्टर इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल. इट मींस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग एनोड विच हैव बीन एमिटेड फ्रॉम कैथोड. All electrons are reaching anode which have been emitted from cathode. Cathode से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल बढ़ाने से आपका करंट और नहीं बढ़ेगा. देखो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बाकी पैरामीटर्स को आप कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो यहां पे आई फिक्स था और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स थी. इन दोनों पैरामीटर्स को फिक्स करके वी बढ़ाया तो ये ग्राफ बना. अब मैं आपको बोल रहा हूं कि लेट से दिस ग्राफ वॉज फॉर इंटेंसिटी आई वन. अब एक इंटेंसिटी आई टू है जो कि ज्यादा है आई वन से, उसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ आएगा? आई टू बड़ी है आई वन से तो क्या सेचुरेशन करंट बड़ा होगा? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ेगा. ये वाला करंट आपका सेचुरेशन करंट ही है बेसिकली. तो इंटेंसिटी बढ़ गई I2 तो आपका सेचुरेशन करंट बढ़ेगा. ये आपकी इंटेंसिटी है. पहले वाले केस का करंट इज लेस एज कंपेयर टू सेकेंड केस. पर यहां पे देखने वाली बात यह है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है. इसका मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी सेम है. जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उसमें से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन की थी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज सेम. बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता. और एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम रह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो थी वो सेम रहेगी पहले के मुकाबले जैसी. इसका मतलब आपके इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है ना, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रह रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी सेम. हाँ जी लिखें इसके लिए. फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल और ब्रैकेट में लिख लिया आप ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल और ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. एक ही बात यहां से कंक्लूड करनी है मेन कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है यहां तक? हां जी. ये देखें, ये समझ में आया कि इंटेंसिटी बढ़ने से सेचुरेशन करंट बढ़ा, ठीक है. लेकिन आपने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि दोनों केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था. स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के प्रोपोर्शनल होता है. अगर वी एस इज नॉट चेंजिंग इट मींस काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी नहीं बदलेगी. तो इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट है. इंटेंसिटी बढ़ने से
के ई मैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो करंट तो बढ़ेगा पक्का, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, हमने जब इंटेंसिटी बढ़ाई फोटो करंट तो बढ़ता हुआ दिखा, बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अब भी सेम है। अगर बढ़ी हुई होती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है उसको रोकने के लिए। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो के ई मैक्स इज ऑल्सो सेम। इट मीन्स इंटेंसिटी बढ़ाने से के ई मैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो के ई मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या पूछा है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, वो हमें चेक करना है। हमने ग्राफ ड्रॉ किया आई वर्सेस वी का, ये देखें आप। मान लें कि ये वाला ग्राफ है फ्रीक्वेंसी न्यू वन के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई इंटेंसिटी को सेम रखते हुए, ध्यान देना इंटेंसिटी सेम है, अगर इंटेंसिटी सेम है तो सेचुरेशन करंट भी सेम रहेगा। अभी हमने देखा इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी आपकी फोटो करंट पे कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। यहां पे अगर इंटेंसिटी सेम है तो फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो सेचुरेशन करंट विल बी सेम बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ये पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये सेकेंड स्टॉपिंग पोटेंशियल है। दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू वन, दिस इज फॉर न्यू टू। जो न्यू टू है इट इज ग्रेटर देन न्यू वन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटेंसिटी इज फिक्स, इंटेंसिटी फिक्स है तो सेचुरेशन करंट आपका फिक्स रहेगा इवन ऑन चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने पहले केस में फ्रीक्वेंसी ली थी न्यू वन और सेकंड केस में न्यू टू ली है तो सेचुरेशन करंट आपका सेम आ रहा है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो इस बात से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है तो क्या हुआ होगा। हाँ, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है इसका मतलब के ई मैक्स बढ़ गई होगी, आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उसको रोकने के लिए अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन करें, सिंस इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, सिंस इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज हायर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, सिंस इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। यहां पे आप एक पॉइंट और ऐड कर लें अगर जगह है तो, सिंस इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट देयर फॉर फोटो करंट विल बी कॉन्स्टेंट। सिंस इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट फोटो करंट विल बी कॉन्स्टेंट, और दूसरे वाले पॉइंट को आप अलग पॉइंट बना लें। सिंस इंटेंसिटी इज कॉन्स्टेंट
फोटो करंट विल रिमेन सेम, सैचुरेटेड फोटो करंट विल रिमेन सेम। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज हायर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज हायर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। अगला पॉइंट लिखें, हाँ जी आप आगे बैठा करें, जिसको थोड़ा दिक्कत है आगे बैठा करें। हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोला है क्या? सेकेंड पॉइंट आपका था, एज इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज हायर फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस, हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका लास्ट पॉइंट लिख लें जो मुझे कंक्लूड करवाना है इसमें, इस पर्टिकुलर थर्ड वाले केस में। इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ जी, अभी नोटबुक बंद नहीं करेंगे, अभी है टाइम, कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। इसी थर्ड पार्ट जो आपने किया है, इसी में वी एस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे। अभी अभी आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, इसको आप बोलते हैं न्यू नॉट, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, नहीं आप उसको आगे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका आएगा। अभी आप इसके लिए न्यू नॉट ही माने, जब हम फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तब उसको लेके आएंगे। देखिए ये ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आपकी इंसिडेंट रेडिएशन जो थी मेटल प्लेट पे उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव आयन ने कुछ तो बाउंड कर रखा है, अगर बाउंड कर रखा है तो इसकी एनर्जी सफिशियंट होगी तभी निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा, और उस एमिटेड इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपका पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां तक एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां के बाद निकलेगा, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये आपको नोट करना है। अब जो अभी हमने आज की क्लास में किया है, मैं सारी चीज को एक बॉक्स में कंक्लूड कर रहा हूं।
हाँ जी बताएं, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो करंट बढ़ेगा घटेगा या वैसा ही रहेगा? बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगी या सेम रहेगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फोटो करंट बढ़ेगा या घटेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए तीनों डायग्राम में से कुछ ना कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, हमने जो लास्ट में एक ग्राफ किया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया था, सेचुरेशन करंट उतना ही रह रहा तो ये उतना ही रहेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल और के ई मैक्स दोनों बढ़ते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट हमने कहा कि थ्रेश थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है न्यू नॉट, और एक पॉइंट और नोट कर लें लास्ट, इंस्टांटेनियस इंस्टांटेनियस एमिशन होता है। इस बात का मतलब है, जैसे ही मेटल प्लेट पर आपकी रेडिएशन इंसिडेंट होगी, तुरंत आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा। ये आज की क्लास का कंक्लूजन है। रिवाइज करके आएंगे कल, कल आपसे पूछूंगा पहले। थैंक यू।